Hi. Alright, so hey guys, what's up everybody? Shubha here, back again with a new video. तो आज के वीडियो में हम लोग मेरी पुरानी फोटोज देखेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे. लाइक आज से लगभग 2016 में लाइक हो गए होंगे भाई, कितने साल, 7 या 8 साल तो हो ही गए होंगे. 10 साल हो गया गाइस, 10 साल. तो इस 10 साल में मैं कितना चेंज हुआ हूँ वो भी आप लोगों को पता चलेगा. एंड आज से लगभग 10 साल पहले मैं फेसबुक यूज़ करता था, तब इंस्टाग्राम ज़्यादा था ही नहीं, मतलब नहीं था, और ना ही यूट्यूब पर मैं था, बस फेसबुक पर था. और फेसबुक पर मेरे आज तक लगभग 4 से 5 अकाउंट है, एंड जिसमें से एक मैंने अभी तक बचा कर रखा है. बाकी सबकी आईडी वगैरह तो मुझे मालूम ही नहीं डूड, क्या हुआ है क्या नहीं, और पासवर्ड भी मुझे नहीं पता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. और आप लोगों को आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि गाइज उस टाइम ना भाई सीबी एडिट करके एक एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, तो उस टाइप की मैं एडिट करता था. एंड एडिटिंग का तो मुझे बचपन से ही शौक था और है और अभी भी रहेगा, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना. तो सबसे पहली फ़ोटो है 2016 की, तो आपको यही पर स्क्रीन पर दिख जाएगी. एंड ये मैंने अपने पास एक टैबलेट था रेड कलर का, वो अभी फ़िलहाल हितुल के घर पर पड़ा हुआ है क्योंकि वो बंद हो गया था, तो उसमें मैंने ये वाली सेल्फी ली हुई थी. तो बहुत ही ब्लर फोटो है, बट आप लोग देख सकते हो कैसा लग रहा था. एंड एनीवेज अभी फिलहाल जो मैं फोटो आपको वो दिखाने वाला हूँ ना, वो बहुत ही खतरनाक है. लाइक उसमें आप लोग एडिटिंग देखना डूड. एंड उस टाइम ना ड्यूब बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी, तो मेरे पास तो थी नहीं, तो मैंने एडिट करके डाल दी. और भाई देखो गाइस, 2017 की ये फोटो है और क्या ही मैंने एडिट किया हुआ है इसमें. कुछ मतलब कुछ भी, बचपन में कभी किसी ने गिफ्ट तो नहीं दिया, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सांता क्लॉज सही में होते हैं, तो मैंने ऐसे ये वाली फोटो एडिट कर दी थी. एंड ये सारी फोटोज मैं अपने पीसी में देख रहा हूँ और आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला एडिटिंग मैंने कैसे किया हुआ है. यहाँ पर मैं सो रहा हूँ और सांता क्लॉज मेरे लिए गिफ्ट रख कर जा रहे हैं. लाइक बचपन में मैं कुछ अलग ही सोच रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ मैनिपुलेशन एडिट किए हुए थे. सबसे पहले ये वाला, इसका क्या मतलब है, कुछ नहीं, टाइटैनिक डूब रहा है और वहीं से फिल्म में से पानी निकल रहा है, तो ये एक एक फोटो है. और अभी फिलहाल ये तो चलो नॉर्मल है. और एक ये वाली है जिसमें हम लोग KTM की बाइक के आगे बैठे हुए हैं, ये भी एडिट की हुई है. और एक फ़ोटो भाई किधर गई, ये वाली फ़ोटो भाई आप लोग देखो भाई, इसमें मेरा पेट किधर है डूड. भाई समझ में नहीं आ रहा भाई मैं ऐसे, और ये मेरे बाल को क्या हुआ है, और ये मेरा फेस भाई कितना गंदा लग रहा है डूड. लिटरली मैं ऐसी एडिटिंग करता था उस टाइम. भाई क्या चीज़ है. एंड उस टाइम भी मेरे को ना फिटनेस का बहुत ही ज़्यादा शौक था, और मेरे ऐप्स थे बट इतने ज़्यादा विजिबल नहीं थे, तो मैंने अपनी एक फ़ोटो एडिट की थी ऐप्स वाली, वो देखो ये देखो. अभी फिलहाल इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिजिक है, बट ये वाले ऐप्स ना मैंने एडिट किए हुए. सबसे मेरी फेवरेट फ़ोटो है ना वो कौन सी थी, हाँ ये वाली, ये देखो ये मैंने एडिट की हुई थी. और ये इतना ज़्यादा लग नहीं रहा था कि ये एडिट की हुई है, इसलिए ये मेरी उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट फ़ोटो थी, बट अभी फ़िलहाल नहीं है, बट अच्छा है. ये मेरे इंस्टाग्राम पर बन के हुए थे तब की फ़ोटो है 2021. भाई ये ऋतिक है, ये अजय है, ये पीछे चिंतन है, और ये बाकी सब दोस्त है. हाँ ये देखो, ये हम लोग दीव गए हुए थे ना, तब वहाँ पर एक फ़ैन मिला हुआ था, ये उसकी ड्यूक का फ़ोटो है जो बहुत ही बॉम्ब है. ये वाली फ़ोटोज़ भी मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है, और ये सारी फ़ोटोज़ मैं आप लोगों को फेसबुक के थ्रू दिखा रहा हूँ, तो आप लोग जाकर फेसबुक से भी बहुत सी ऐसी फ़ोटोज़ मेरी देख सकते हो. लिटरली गाइज भाई 2022 की फ़ोटो है ड्यूक वाली. तो और एक फ़ोटो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा था कि सीबीआरिक बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, एंड उसी के रिगार्डिंग मैंने फ़ोटो एडिट की हुई थी. देखो ये रही गाइस, ये देखो उस टाइम ना ऐसी एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा चल रही थी. ये अकेला फ़ोटो नहीं है डूड, ये वाले भी है, ये वाला भी है, नाम तो सुना ही होगा. भाई ये देखो भाई, ये जो फोटो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ही बॉम्ब है डूड. ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बट इसको लेकर मैं अभी भी ट्रोल होता रहता हूँ अपने दोस्तों के बीच में. ये देखो गाइस, ये यहाँ पर मैं हूँ और ये हाथ में ना iPhone 5 है, और बगल में आप लड़की दिख रहे हो, ये एडिट की है मैंने. टोटली ऐसा एडिट मैं कर रहा था ना, और ये बाल भी मैंने एडिट किए हुए हैं डूड. और ये वाली जैकेट अभी फ़िलहाल है, इधर गई भाई, हाँ ये रही देखो, ये रही, ये है वो जैकेट जो मैंने इस वाले फोटो में पहनी हुई है.
और बाकी सब फोटो तो नॉर्मल है, बट उस टाइम की बात करूँ ना तो मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा था, फिर भी फोटोज़ मेरे एक दो अच्छे आ ही जाते थे और कुछ नहीं गाइस। तो ये थी मेरी कुछ फोटोज़ जिसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है अभी के हिसाब से, कि मैं उस टाइम पर भाई कैसी कैसी फोटोज़ वगैरह डालता रहता था। तो आप लोगों को और भी ज़्यादा फोटोज़ देखने हो तो आप लोग मेरा फेसबुक अकाउंट सर्च कर सकते हो, वैसे फेसबुक पर मैं फॉलो करने को नहीं बोलूँगा, करो ही मत, बस फोटो देखो एंड खुश हो जाओ डूड। और कोई भी मुझे मत पूछना डूड ये वगैरह इसके बारे में, क्योंकि मैं खुद ही इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसता रहता हूँ। एनीवेज ये वाला वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कूल स्टे ट्यून्ड बाय।